वाले लोगों के साथ ये माँ और बेटी मिलकर ऐसे लोगों को फंसाती थी कि लोग भी इनके चुंगल में फंस जाते थे और उनके साथ ये दोनों मिलकर करती थी यह काट। दोस्तों आए दिन ट्रेन में कुछ ना कुछ घटना देखने को मिलता रहता है, ऐसी घटना मैं आपके पास लेकर आया हूँ जिसे आप भी ट्रेन में सफर करने के दौरान सतर्क रहे और इस तरह की गलती आप कभी ना करें क्योंकि आपके साथ भी लोग ऐसे हरकतें कर जाएंगे और आपको भनक भी नहीं लगेगी। आखिर इन माँ बेटी ने मिलकर लोगों को कैसे बनाती थी बेवकूफ, आइए जानते इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसे ही हो रहे ट्रेन में घटना देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों इन माँ बेटी को GRPF और RPF की टीम ने बहुत मुश्किल से फफुंद रेलवे स्टेशन से पकड़ा है। इन दोनों के ऊपर काफी शिकायतें दर्ज हो चुकी थी लेकिन यह दोनों रेलवे पुलिस के हाथ नहीं आ रही थी और यह माँ बेटी मिलकर आगरा मथुरा इटावा इन रूट्स पर लोगों को ज्यादा बेवकूफ बनाती थी। यह दोनों मिलकर लोगों को ऐसे बेवकूफ बनाती थी कि लोग इनके झांसे में आ जाते थे। जब रेलवे पुलिस ने इन दोनों को पकड़ा तो इनके पास से काफी चीजें मिले जैसे कि महिलाओं के गहने, बहुत सारे पैसे या बहुत से एंड्रॉइड फोन। आखिर ये दोनों लोगों के साथ करती क्या थी और लोग इतने आसानी से इनके चुंगल में कैसे फंस जाते थे। दोस्तों ये माँ बेटी सबसे पहले प्लेटफॉर्म टिकट लेकर रेलवे स्टेशन पर जाती थी और अपने शिकार ढूंढती थी कि कौन ज्यादा मालामाल है, किसके पास महंगा फोन है, और ये लोग धीरे धीरे उसके पास जाकर किसी तरह बैठ जाती थी और उसके बातें करना शुरू कर देती थी। लड़की और औरत होने की वजह से लोग भी इनके मोहमाया में आ जाते थे और यह माँ बेटी मिलकर लोगों से पहले ही पूछ लेती थी कि आपको जाना कहाँ है, फिर वो भी अपने को वहीं बताती थी कि हमें भी वहीं जाना है और इस तरह करके दोनों में बातें शुरू हो जाती थी और लोग समझते थे कि चलो अपने तरह कोई तो मिल गया। फिर ये दोनों मिलकर लोगों को ये भी बताते थे कि हमारे पास वेटिंग टिकट है, फिर लोग बोल देते थे कि कोई नहीं हमारे पास कन्फर्म टिकट है, आप हमारे साथ चल लेना। और लड़की होने के चक्कर में आदमी भी थोड़ा खुश हो जाता था कि चलो आज का सफर अच्छे से बीतेगा और ऐसे ही करके उनके साथ ट्रेन में बैठ जाते हैं और साथ में सफर करने लगते हैं। और ट्रेन में बैठे अगल बगल के लोग यही समझते थे कि यह सभी लोग एक साथ सफर कर रहे हैं क्योंकि एक साथ ही अपने सीट पर बैठते हैं और जैसे आदमी बाथरूम जाता था अपने फोन को चार्ज में लगाकर, वैसे ही माँ बेटी किसी तरह उन लोगों का सामान और फोन लेकर किसी तरह ट्रेन से नीचे उतर जाती थी और बगल में बैठे लोग भी कुछ नहीं कह पाते थे क्योंकि उनको कुछ मालूम ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। और ऐसे ही ये दोनों डेली करती थी और काफी लोगों को बेवकूफ बना के लूट लिया था। क्या हमें ट्रेन में सफर करने के दौरान औरतों के मोह माया में पड़ना चाहिए? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।